आईपीएल में आज राजस्थान की टक्कर गुजरात से, जीतने वाली टीम पॉइंट टेबल में बनेगी नंबर वन। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जाने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और आपके अनुसार राजस्थान और गुजरात में से आज का मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, हमें कमेंट में बताना न भूले। राजस्थान रॉयल्स गुरुवार 14 अप्रैल को मुंबई की डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात से भिड़ेगी। दोनों ही टीमें अब तक अपने हिस्से में 4-4 मुकाबले में 3-3 मैच जीत चुकी है। ऐसे में यह जंग बेहतरीन फॉर्म में चल रही दो टीमों के बीच होगी। राजस्थान की बात करें तो बेंगलुरु से मिली शिकस्त के बाद लखनऊ को 3 रनों से हराकर टीम थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली करारी हार के दौरान हार्दिक पांड्या का मोहम्मद शमी पर भड़कना लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में हार्दिक की कप्तानी पर सबकी निगाह होगी। राजस्थान के लिए डीवाई पाटिल स्टेडियम रहा है लकी। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच यह पहली भिड़ंत होगी। राजस्थान और गुजरात दोनों ने पहले डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेलने का अनुभव किया है। राजस्थान ने इस स्टेडियम में खेले अपने 3 मुकाबलों में से 2 जीते हैं और 1 में उसे हार नसीब हुई है। गुजरात ने यहाँ केवल 1 मुकाबला खेला है जिसमें उसे हैदराबाद के 8 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी। राजस्थान संजू सैमसन की कप्तानी में एक मजबूत यूनिट नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर में जोश बटलर लगातार रन बरसा रहे हैं। बटलर इस सीजन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। गुजरात टाइटन के लिए वैसे तो इस सीजन सब कुछ सही रहा है, लेकिन उसकी कप्तानी सवालों की घेरे में है। समय की फील्डिंग में सुस्त रफ्तार पर हार्दिक का चेकना सुर्खियों बटोर रहा है। हैदराबाद के खिलाफ 42 गेंदें खेलकर केवल 50 रन बनाने वाले हार्दिक की धीमी पारी को हार की मुख्य वजह से तौर पर देखा जा रहा है। इन सब परेशानियों से बाहर निकलकर टीम को दोबारा विजय पथ पर लौटना हार्दिक के लिए बड़ा चैलेंज होगा। सो दोस्तों, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।